चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोटो पीरियडिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं दीप्तिकालिता। चलिए तो इस टॉपिक को समझे, दीप्तिकालिता शब्द को समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं दीप्तिकाल क्या होता है। देखिए, दीप्ति का मतलब होता है प्रकाश, ज्योति। काल का मतलब अवधि, समय। तो दिन में जो प्रकाश की अवधि है उसको हम कहते हैं दीप्ति का, या जिस अवधि तक प्रकाश उपलब्ध रहता है उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड या दीप्ति काल। और पादप दीप्ति काल के प्रति किस तरह से अनुक्रिया दर्शाते हैं उसको कहते हैं दीप्ति कालिता, फोटो पीरियडिज्म। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड, while the response of plant towards this photoperiod is called as photoperiodism। तो प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो लाइट पर डिपेंड करती है। वैसे हम एक तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि लाइट पर निर्भर करती है। तो सर्वप्रथम इस दिशा में दो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने प्रयास किया था, गार्नर और एलार्ड। इन्होंने 1920 के दशक में तंबाकू की एक वैरायटी है जिसका नाम है मेरीलैंड मेमथ, मेरीलैंड मेमथ जो कि एक तंबाकू की वैरायटी है, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स मिले। वो क्या थे उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने देखा कि मेरीलैंड जो मेमथ है, एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि डेली इस प्लांट को शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक उन्होंने लाइट से ट्रीट किया, या उतने अवधि तक प्रकाश दिया। अब 4 से 11 यानी कितने, 7 घंटे। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्लांट की ये जो वैरायटी है वो तभी फ्लावरिंग करती है जब इसको 7 घंटे लाइट मिले और शेष जो है 17 घंटे उसको अंधेरा मिले। तो उन्होंने एक क्रिटिकल पीरियड तय किया इस प्लांट के लिए और पहली बार ये बताया कि कहीं न कहीं पुष्पन का संबंध प्रकाश की अवधि से होता है, दीप्ति काल से होता है, और इसी से हमारा कंसेप्ट आया फोटो पीरियडिज्म का। तो गार्नर और एलान ने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, कुछ और प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए और एक ब्रॉड रूप से क्लासिफाई किया प्लांट को फोटोपीरियडिज्म के आधार पर। 3 कैटेगरी बनाई उन्होंने जिसको आप सभी जानते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लघु दीप्तिकालक पादप, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दीप्तिकालिक पादप, और डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब ये उदासीन प्रकृति के होते हैं जिनका दीप्तिकाल से कोई संबंध नहीं होता। तो उन्होंने इसको किस तरह से परिभाषित किया कि वे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए एक क्रिटिकल फोटो पीरियड से या क्रिटिकल दीप्तिकाल से कम अवधि का फोटो पीरियड चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं, जिनको एक क्रिटिकल पीरियड से अधिक अवधि का फोटो पीरियड चाहिए वो दीर्घ दीप्तिकालक कहलाते हैं, और जिन पौधों में पुष्पन का दीप्तिकालिता से कोई संबंध नहीं होता वो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं वो मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, कौन से शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है।
तो गार्नर और एलार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये तीन वर्ग पादपों के बनाए, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। और ये सब कुछ क्या आउटकम देता है कि देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन फ्लावरिंग एंड द लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड। तो ये कुछ आरंभिक प्रयोग हुए थे, लेकिन वास्तव में ये तो सही है कि कहीं ना कहीं प्रकाश और पुष्पन का संबंध है, लेकिन आगे जाकर कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए और इस फोटो पीरियडिज्म के कंसेप्ट में और बदलाव हुआ और हमें यह पता चला कि वास्तव में 24 घंटों में जो प्रकाश की अवधि है वो इतना मायने नहीं रखती, बल्कि वास्तव में अंधकार की अवधि जो है वो मायने रखती है। तो दो साइंटिस्ट हुए थे, हेमनर एंड बॉनर। हम आगे अपने कंसेप्ट को ले जा रहे हैं। चलिए, हेमनर और बॉनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे पहले हम थोड़ा सा फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन को और सही कर देते हैं। देखिए, मैं दो एग्जांपल लेता हूं। एक प्लांट है जेंथियम, जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, और एक दूसरा प्लांट है हायोसाइमस। ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। अब जेंथियम जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसके लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो लगभग 15 घंटे का है, और हायोसाइमस है उसके लिए क्रिटिकल पीरियड 11 घंटे का। लेकिन अब इस क्रिटिकल पीरियड को आप अच्छी तरह से समझें, जेंथियम तभी फ्लावरिंग करेगा जब उसको 15 घंटे से कम अवधि का प्रकाश या दीप्ति काल मिलेगा। हायोसाइमस तभी पुष्पन करेगा जब इसको 11 घंटे से अधिक अवधि का, यहां 15 से कम था, यहां 11 घंटे से अधिक अवधि का दीप्ति काल मिलेगा। यानी यहां पर अब कंसेप्ट बदल जाता है कि शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, जिनको एक क्रिटिकल मैक्सिमम पीरियड से कम अवधि का फोटो पीरियड चाहिए उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, और जिन पौधों को पुष्पन के लिए एक क्रिटिकल मिनिमम से अधिक अवधि का फोटो पीरियड चाहिए उसको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट की कंडीशंस में क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, लेस देन क्रिटिकल मैक्सिमम, ये किसकी शर्त है, शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट की क्या शर्त है, मोर देन क्रिटिकल मिनिमम। चलिए, अभी जो हमने लिखा उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंथियम, मान लो जेंथियम को 16 घंटे दीप्ति काल मिलता है, लाइट मिलती है, और 8 घंटे अंधकार रहता है, तो क्या इसमें फ्लावरिंग होगी। तो आ जाइए शर्त पर, क्या है शर्त, कि 15 घंटे से कम अवधि, तो ये तो ज्यादा हो गया 1 घंटा, यानी इस कंडीशन में हमारा जो पुष्पन है वो नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। और अगर हम इस कंडीशन को रिवर्ट कर दें, अब ये 8 घंटे की अवधि 15 घंटे से कम है, तो यहां पर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि आवश्यक क्या है, कि 15 घंटे से कम अवधि का प्रकाश उसको मिलना चाहिए।
चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, हायोसाइमस, उसका उदाहरण देखिए। माना कि 14 घंटे जो है उसको फोटो पीरियड मिलता है और 10 घंटे अंधेरा रहता है, तो क्या यहां पर फ्लावरिंग होगी? सोचिए, उसके लिए क्रिटिकल मिनिमम क्या था? 11 घंटे। तो हाँ, यहां पर फ्लावरिंग होगी। और अगर यही रिवर्स कंडीशन हो, कि 10 घंटे इसको फोटो पीरियड मिले और 14 घंटे की अवधि तक अंधेरा रहे, अंधकार रहे, तो इसमें फ्लावरिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी शर्त क्या है? 11 घंटे से अधिक अवधि का फोटो पीरियड मिलना चाहिए, जबकि यहां पर 10 घंटे का ही मिल रहा है। तो ये जो हायोसाइमस और जेंथियम का एग्जांपल है, वो हमारे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के कंसेप्ट को और क्लियर करता है कि शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको क्रिटिकल मैक्सिमम से लो लेवल का फोटो पीरियड चाहिए, और लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको क्रिटिकल मिनिमम से अधिक अवधि का फोटो पीरियड चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, हमने कंसेप्ट को बेटर किया, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुक जाती। वास्तव में फ्लावरिंग जो है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि फ्लावरिंग में फोटो पीरियड का इतना महत्व नहीं है जितना अंधकार का है। वास्तव में शॉर्ट डे प्लांट को हमको कहना चाहिए लॉन्ग नाइट प्लांट, और लॉन्ग डे प्लांट को कहना चाहिए शॉर्ट नाइट प्लांट। तो ये कंसेप्ट कैसा है, आप उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दो वैज्ञानिक हुए थे, हेमनर और बोनर। उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जिससे नया कंक्लूजन निकला कि भाई डार्क पीरियड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे जेंथियम स्ट्रोमेरियम, जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है। चलिए, इन्होंने इसके लिए कंसेप्ट दिया कि इस प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगी जब उसको 9 घंटे से अधिक अवधि का क्या मिले? डार्क पीरियड, नॉट फोटो पीरियड, 9 घंटे से अधिक अवधि का अंधकार मिले, तब ही इसमें पुष्पन होगा। किसमें? जेंथियम स्ट्रोमेरियम में। चलिए, तो कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सपोज देखिए, अगर इसको 16 घंटे फोटो पीरियड मिलता है और 8 घंटे डार्क अवस्था में रहता है, तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। क्यों? शर्त क्या है? 9 घंटे से अधिक। तो अगर इस सिचुएशन को हम रिवर्ट कर दें, देखिए 8 घंटे फोटो पीरियड और 16 घंटे डार्क पीरियड, तो अब इसमें पुष्पन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 घंटे से अधिक अवधि का अंधकार, अब वो कितना भी हो, 10, 11, 12, इट डजंट मैटर, लेकिन 9 घंटे से अधिक अवधि का होना चाहिए, तो यहां पर फ्लावरिंग होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डे टाइम 12 घंटे, उसमें हमने आर्टिफिशियली सपोज ट्राई की कि
हमने 4 घंटे तो इसको लाइट दी और 8 घंटा 8 आवर्स हमने इसको डार्क पीरियड में रखा, तो क्या इसमें फ्लावरिंग होगी? पुष्पन नहीं होगा, क्योंकि शर्त क्या है? 9 घंटे, ये हमारी मुख्य शर्त है।